देखिए इस क्वेश्चन को बड़े आराम से आप डील कर सकते हो, बशर्ते आपको स्ट्राइक कर रहा हो, है ना। तो स्ट्राइक तो करेगा ही, प्रैक्टिस करोगे तो। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम थोड़ा सा आपको लिख दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा आपको क्लोजली स्ट्राइक करे। ये पावर माइनस टू और साइन एक्स डी एक्स है। तो ये देखिए वन प्लस कॉस एक्स अगर आपका एफ एक्स है तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपका, वन का तो जीरो हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन आएगा। तो ये एफ डैश एक्स होते होते रह गया ना, सिर्फ माइनस की कमी थी। खैर हम कमी पूरा कर देते हैं हम लोग, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। तो ये देखिए ये क्या हो गया, एफ एक्स की पावर एन और एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा एफ एक्स की पावर एन प्लस वन, मतलब वन प्लस कॉस एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन प्लस सी हो जाएगा। अब ये माइनस टू प्लस वन कितना होता है, माइनस वन, ठीक है, नीचे भी माइनस वन हो जाएगा, और ये माइनस वन ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये बेकार डिनोमिनेटर लिखना। अब ये जो पावर लिखा है आपका माइनस वन, इसका मतलब क्या, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आप क्या लिख दोगे, वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स प्लस सी, दैट इज योर फाइनल आंसर।